So in today class, we are going to discuss about I think all the yesterday topic is clear to everyone. Some of the students are going to be joined. So we will just fast repeat the repetition of the yesterday class. In yesterday class, we read that कि कैसे किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, या फिर अगर आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर द गर्भ संस्कार के लिए जाना चाहते हैं, कम टू कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको अपने पेशेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान करना है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू डिज़ाइन। एंड द प्रिस्क्रिप्शन डिज़ाइनिंग का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था किस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। नाउ डाइट हमने समझी थी, फर्स्ट टू 9 मंथ्स में कौन कौन सी डाइट आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। एंड देन द इफ द पेशेंट इज हैविंग सम सिम्टोमेटिकली प्रॉब्लम्स लाइक ए नोजिया, वॉमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, डायबिटीज, सो इन दैट केसेज में हम आयुर्वेदिक हर्ब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वाट इज़ द इंडिकेशन, एंड इन हर्ब्स को कितनी क्वान्टिटी में हमें पेशेंट्स को देना है। सो नेक्स्ट इन टूडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट इज अ योगा आसन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज मंथ वाइज कौन कौन से योगासन इंडिकेटेड हैं, इसको भी आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पे राइट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास सेटअप है तो यू कैन प्लान द योगा सेंटर इन योर योगा थेरेपीज इन योर सेंटर ऑल्सो, जिसके लिए आप पेशेंट्स को रेगुलर योगा थेरेपीज के लिए बुलाएंगे। यस्टरडे आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि आप पेशेंट्स को कुछ ना कुछ होमवर्क देंगे, जस्ट लाइक दैट कि आप यू कैन क्रिएट सम स्टोरीज, या आप उनको कुछ डाइट के बारे में पढ़ने के लिए दीजिए। आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन सेशंस में क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद वी कैन प्लान फॉर द जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं गर्भ संस्कार के, उनके लिए हम सेशंस क्रिएट करते हैं, 30 मिनट्स का सेशन क्रिएट करते हैं। और उस सेशंस में हम स्टूडेंट जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुन के उनकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि मंथ वाइज आपके डाइट में हमने जो जो चेंजेस किए हैं, सो हाउ दे कैन प्रिपेयर देयर डाइट्स, और किस तरह से उनको वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। क्योंकि समटाइम द पेशेंट कम्स टू यू, द फीमेल इज़ वर्किंग, तो शी इज़ नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम। या कई बार क्लाइंट बोलता है कि मैम आप हमें गर्भ संस्कार पर तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों को हम रैंडमली फॉलो नहीं कर सकते, जैसे हमारे वी आर वर्किंग सो वी आर नॉट हैविंग ए 1 आवर टाइम टू डू द थिंग्स। तो उनके लिए वी कैन प्रिपेयर द कुछ हम पैन ड्राइव्स में कुछ मंत्रास को डायरेक्टली एड ऑन करके वी कैन गिव टू दैम, या अदरवाइज उनके मोबाइल पे हम व्हाट्सएप के माध्यम से ये सब चीज़ों को शेयर कर देते हैं। सो दे कैन लिसन दीज मंत्रा फॉर 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। बिकॉज जब मंत्र चिकित्सा की हम आयुर्वेदा में बात करते हैं, सो सभी आचार्यज ने भी बोला है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मंत्र चिकित्सा से हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स की सेक्रेशंस होती हैं, जैसे कॉर्टिसोन हार्मोन्स की सेक्रेशन होती है, एड्रेनल हार्मोन की सेक्रेशन होती है, ये नॉर एड्रेनल हार्मोन्स। सो जो हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स है, जैसे सेरोटोनिन इज अ पॉजिटिव हार्मोन्स, तो इसकी सेक्रेशन जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द फिट टू द प्लेसेंटा इट इंक्रीज, जिससे बेबी को प्रॉपर नरिशमेंट होता है और उसके मेंटल लेवल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलर लाइक दैट अगर किसी भी पेशेंट में हमें दिखता है कि फीमेल इज हैविंग स्ट्रेस लेवल, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा चल रहा है, या आफ्टर द इनफर्टिलिटी शी कंसीव्ड, तो वो उसके जो बैक ऑफ द हिस्ट्री रहती है उसमें वो बहुत लंबे टाइम तक उसकी धातु के क्षय लक्षण आ जाते हैं, जिसमें उसकी रसा रक्त धातु का क्षीणता होती है, इसलिए पेशेंट कैन सफर विद द लो ब्लड प्रेशर के लिए सफ़र करते हैं। तो उस कंडीशन में हम बाल गोपाल मंत्र को, गायत्री मंत्र को, ओम उच्चारण के मंत्र को एडवाइज करते हैं पेशेंट को, दे कैन परफॉर्म विद द मेडिटेशन ऑल्सो। सो मेडिटेशन का भी क्या तरीका होता है, पेशेंट कैन प्लान अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल। हम 15 मिनट्स को उसको मेडिटेशन के लिए प्लान करते हैं। सो 15 मिनट्स से लेके 1 आवर तक डिपेंड अपॉन देयर टाइम शेड्यूल। जो हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं उसमें हम पेशेंट को 15 से 20 मिनट के लिए बताते हैं, 15 मिनट्स के लिए दे कैन गो फॉर द
मेडिटेशन फॉर्म। सो मेडिटेशन के लिए और योगासन के लिए बहुत सारी ऐसे आसनास हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में पेशेंट को परफॉर्म करवा सकते हैं। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, देन यू विल गेट द आइडिया कि कौन कौन से आसनास को हमें शेयर करना है। सो जब भी आप पेशेंट्स को आइडियाज़ देते हैं कि हाउ दे कैन परफॉर्म द दिस गर्भ संस्कार, तो आप उसको ना फर्स्ट सिटिंग में ही सब चीज़ों को यू हैव टू एक्सप्लेन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्लान फॉर दैट। सो योगासन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज, आप कौन कौन से योगासन को अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट इज दैट आप वज्रासन के लिए एडवाइस करेंगे। वज्रासन जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज इंडिकेटेड। इनिशियली प्रेगनेंसी में इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट कैन सिट ऑन द दिस वज्रासन पोज। आफ्टर दिस इज द ओनली वन आसन जिसको पेशेंट खाना खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकता है, एनी टाइम इन अ डे सकता है। थैंक यू। सो वज्रासन में बैठने के लिए ना पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइन पोजीशन पे बैठा के देन दे कैन फोल्ड देयर लेग्स, अपने लेग्स को फोल्ड करके हैंड शुड बी ऑन द थाइस के ऊपर रखने हैं। सो दैट इज फॉर द 15 टू 20 मिनट्स तक वो पेशेंट जो है वो बैठ सकता है। नॉर्मली आसन कौन भी परफॉर्म्ड इन द एम्प्टी स्टोमक, बट समटाइम अगर पेशेंट को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या रिक्रेंट को गैस्ट्राइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम फीमेल पेशेंट्स को आफ्टर द डाइट 1 से 1.5 घंटे के बाद, लंच के 2 आवर्स के बाद, सो उसको दिन में 3 बार वी कैन एडवाइज टू सिट फॉर द 15 मिनट्स ऑफ वो वज्रासन की पोजिशन में बैठेगा। सेकेंड जो आसन रहता है दैट इज द स्वस्थ वज्रासन। इसमें वज्रासन की पोजीशन में ही बैठना है क्योंकि जैसे जैसे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर आता है उस कंडीशन में टमी इंक्रीज होती है। सो इन दैट कंडीशन पेशेंट कैन पुट देयर हैंड्स ऑन द बैक, बैक पे हैंड्स को रखेगा जिससे वो एक तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, हेड को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, बोथ ही हैंड्स को टच टुवर्ड्स द फ्लोर की तरफ टच करना है और देन द नेक शुड बी बेंड, नेक को पीछे की तरफ बेंड करना है। और इस आसन में अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट 10 मिनट से लेके दे कैन सिट फॉर द 15 मिनट्स। किसी से नहीं भी होता है तो 3 to 4 मिनट्स दे कैन स्टार्ट विद द 1 मिनट एंड दे कैन इंक्रीज टू 4 to 5 मिनट्स। तो इस कंडीशन में स्वस्थ वज्र आसन में पेशेंट बैठ सकेगा। नेक्स्ट वर्ष से लेकर 9 मंथ की रेजिम में वो पद्मासन में या स्वस्थिका आसन में दे कैन सिट। इन दिस पोजिशन दे हैव टू पुट देयर लेग्स, राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग की तरफ लेके आना है। इसमें भी 2 पोजिशन में पेशेंट कैन बी सिट। एक कंप्लीट पोजिशन में जा सकता है विद द मुद्रास। देखिए मुद्रास को जब भी प्रैक्टिस किया जाता है ज्ञान मुद्रास से लेके, ज्ञान मुद्रा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस थंब के साथ फिंगर को अटैच किया जाता है, दैट इज इन द ज्ञान मुद्रा पोस्चर। पृथ्वी मुद्रा में, वायु मुद्रा में जिन पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा ब्लॉटिंग रहती है पेशेंट में, या कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, या एपेटाइट जो है जिनका ठीक नहीं रहता, उस कंडीशन में वायु मुद्रा की वायु मुद्रा लगा के पेशेंट जो है वो बैठ सकते हैं फॉर द 10 to 15 मिनट्स तक। और अगर वायु मुद्रा, अगर किसी को स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो वो ज्ञान मुद्रा में बैठेगा, और किसी पेशेंट को एंजाइटी ज्यादा बढ़ रही है तो वो लिंग मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। लिंग मुद्रा में दोनों ही हाथ को मूव करना होता है। लिंग मुद्रा में जो पोस्चर बनाया जाता है दैट इज इन द कंडीशन ऑफ, जो लिंग मुद्रा का पोस्चर होता है ना उसमें ऐसे ग्रैप करना है हैंड को इस तरह से, थंब शुड बी अपवर्ड। और जो हमारे ज्ञान मुद्रा का पोस्चर होता है उसमें हमें ये थंब को इस तरह से ये अटैच करना और बाकी की फिंगर शुड बी इन अ स्ट्रेट वे। इस पोजीशन में पेशेंट का हैंड होना चाहिए और दे कैन डू मेडिटेशन आल्सो इन द ज्ञान मुद्रा पोस्चर। किसी पेशेंट को अगर ज्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है या ओबेस पर्सन है, ओबेस में हमें इस फिंगर को, मिडल ऑफ द फिंगर को टच करना है और इस फिंगर को टच करते रेस्ट ऑफ द फिंगर शुड बी ओपन, बाकी 3 फिंगर ओपन रहेगी। जो बहुत ही ओबेस पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है,
उन लोगों को इस मुद्रा में बैठ के देन दे कैन परफॉर्म द दिस आसनास एंड देन डू द मेडिटेशन. ओके सो नेक्स्ट यू कैन सी प्लेस द योर नेक फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेसेस. इस तरह से इस पोजिशन में वो बैठेगा. इट कैन बी लीड टू 4 to 5 मिनट्स का पेशेंट जो है 4 to 5 मिनट से स्टार्ट करके देन कैन बी हाफ एन आवर तक सिट कर सकता है. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ आसनास होते हैं जिसमें हम सूक्ष्म व्यायाम भी करवाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ पर्वत आसन, इसके अलग अलग टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2. इसमें भी पेशेंट को पहले स्वस्तिका आसन में, सुखासन में भी बैठ सकता है, पद्मासन में भी बैठ सकता है. इस पोजिशन में बैठ के अपने हैंड्स को डायरेक्ट फॉरवर्ड लेके आएगा, जिस इस पोजिशन में यू कैन सी हैंड को फॉरवर्ड लेके आएगा, देन मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करते हुए जाएगा. सो नाउ टर्न योर ओपन हैंड एंड स्ट्रेच. तो इस पोजीशन पे पेशेंट जो है 5 टाइम तक रिपीट करना होता है, 1 to 5 टाइम तक रिपीट करेंगे आप. नेक्स्ट आसन में शी कैन बी सेट एंड देन जो फ्लैंक्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि टम्मी की जब इनलार्जमेंट होती है इन द सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में, इसमें भी फ्लैंक्स की मूवमेंट करनी है. सो पेशेंट कैन मूव टुवर्ड्स द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. इसमें भी जितना वो मूवमेंट दे सकता है अकॉर्डिंग टू दैट शी कैन मूव फॉर द 45 degree 30 degree to 45 degrees तक वो स्ट्रेचिंग करके बेंड करेगा. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑफ द आसनास रहता है, दैट इज अ ट्विस्ट फॉर योर लेफ्ट एंड द राइट साइड स्लाइड. इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड के स्लाइटली मूवमेंट्स करनी, दोनों साइड प्रॉपर कर्व लेके जाना है लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट जो आसन रहते हैं दैट इज अ इजी ट्विस्टिंग, क्योंकि हमें जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रहता है इसको हमें पेशेंट को ट्विस्ट करवाना है. तो इस कंडीशन में आप सहज वक्र आसन, इजी ट्विस्टिंग पोजीशन है, ये एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को. तो इसमें बैठने के लिए भी कंफर्ट जोन में दे कैन सेट एंड देन पुट देयर वन हैंड, राइट हैंड को मूव करेगा टुवर्ड्स अ लेफ्ट फुट को टच करेंगे और नेक्स्ट जो है जो इसका ऑपोजिट आर्म है दैट इज ऑन द बैक साइड, देन मूव देयर हेड टुवर्ड्स अ जिस हैंड को वो बैक में लेके गया है उसी हैंड की तरफ अपनी फेस की मूवमेंट्स को करना है. सो दिस कैन बी होल्ड फॉर द 10 seconds एंड रिपीट इट विद द अदर हैंड. इसको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है फिर दूसरे हाथ से इसको रिपीट करना है. और इट कैन बी डू फॉर द 5-10 sittings तक कर सकता है. मैक्सिमम जो हम स्टार्ट करते हैं, मिनिमम सॉरी स्टार्ट करते हैं, दैट इज 3 to 4 times से स्टार्ट करके देन इट कैन लीड टू द 5 to 10 times तक इसको कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ द आसनास आता है दैट इज द मर्जरा आसन. ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक आसनास, अदरवाइज इन ए कम्प्लीट कोर्स वी कैन टीच यू अबाउट द मंथ वाइज, फर्स्ट मंथ में कौन से देने, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ से. आप उसको प्रिस्क्राइब करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे भी मेक द नोट्स लाइक दैट. अदरवाइज आई विल शेयर यू द ग्रुप, जो हमारे DGO के स्टूडेंट्स हैं उनको वी विल शेयर यू हाउ टू एलेबोरेट द पेशेंट फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड मंथ. ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को प्लान कर सकते हो. नेक्स्ट इज द मजरासन. मजरासन में क्या है, इसमें वज्रासन पोस्चर पे हम पेशेंट को बैठाते हैं एंड लर्न फॉरवर्ड एंड प्लेस द हैंड फ्लैट. ये कंडीशन जो है ना सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में की जाती है. थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको करने से इजी लेबर के चांसेस बढ़ते हैं, पेशेंट में बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, थाइस के ऊपर जो प्रेशर आता है उसकी उसको मेंटेन किया जा सकता है. और मेन जो इसमें प्रेशर आता है आपके आर्म्स के ऊपर, हील्स के ऊपर और थाइस के ऊपर प्रेशर आता है. तो इस परपेंडिकुलर पोस्चर में बैठने से आपका सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हमारे हैंड्स की तरफ जाता है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्च पोज, आर्च पोज भी बोला जाता है. तो आर्च पोज में हमें अपनी लेग्स को बेंड करना है और हैंड्स को फॉरवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है. फर्स्ट आपको फेस फ्रंट की तरफ रखना है. किसी भी पेशेंट को अगर ग्रिडीनेस रहती है तो उसको फेस डाउन की तरफ नहीं करना है. सीवियर बैक एक की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी हमें नेक को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं रखना है.
जब भी आप आसनास के लिए एडवाइस करते हो पेशेंट को, पहले उसकी हिस्ट्री लीजिए, इफ शी इज हैविंग सम एनाटॉमिकली प्रॉब्लम्स, कोई उसकी सर्जरीज हुई हैं या उसको कोई प्रॉब्लम्स है, पेन है, स्ट्रेचिंग्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन चेंज द आसनास। ठीक है, नेक्स्ट गोमुखासनास। गोमुखासना इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द सिटिंग पोस्चर, इसमें बहुत ईजी रहता है गोमुखासनास भी। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही आपके हैंड जो है वो टच होते हैं विद द ग्रिपिंग के लिए। सो इन दिस आसनास पेशेंट को अपने लेग को फोल्ड करना है कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के, देन मूव देयर वन हैंड, राइट हैंड को अपर डायरेक्शन में लेके जाएगा लाइक दिस। इस तरह से एक हैंड को अपर डायरेक्शन में, सेकेंड हैंड को ऊपर, और इसको हमें इनवेल्प करना होता है, टच करवाना है एंड होल्ड करना है। अब द पेशेंट कैन बी होल्ड, समटाइम क्या होता है पेशेंट कंप्लेन करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शी इज फीलिंग द क्रैम्प्स, ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट्स को क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं, इट ऑन द हैंड्स, इट ऑन द बैक, इट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उस कंडीशन में आपने पेशेंट के जो दिस क्रैम्प्स ना आए, फॉर दैट पर्पज यू हैव फोल्ड योर राइट आर्म्स टू द एल्बो, और इस पोस्चर को करने से एक बैक की स्ट्रेचिंग होगी, हैंड्स की स्ट्रेचिंग होगी, आर्म्स की स्ट्रेचिंग होगी, इवन शोल्डर पेन किसी को अगर रहता है, किसी पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फ्रोजन शोल्डर है, शी कांट लिफ्ट देयर हैंड्स, तो उसमें वी हैव टू चेंज द आसनास। सो आई एम रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, आपको पेशेंट की कंडीशन को देखना है, इफ अगर उसको कोई पैथोलॉजिकली कंडीशन है तो हमें ये आसनास को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्लान करना है। अदरवाइज अगर पेशेंट इज कंप्लीट हेल्थी तो आप ये बहुत सारे आसनास को उसमें इनरोल्ड कर सकते हैं, उस पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। अब आता है शलभासन। शलभासन में क्या रहता है, इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट का स्टैंड ऑन द नी, पेशेंट को स्टैंड करना है घुटनों के पर में, कीप सम डिस्टेंस। पेशेंट कैन बी सिटिंग पोजिशन में भी कर सकता है, इसमें लेग्स पे हमारा जो मेन वेट आता है ऑन द नी जॉइंट्स पे आता है, इसमें भी अगर किसी पेशेंट को नी जॉइंट्स की पेन है या क्रिप्स पॉजिटिव है, लिगामेंट टियर है, उस कंडीशन पे हमें नी जॉइंट्स पे वेट नहीं देना होता है। अदरवाइज इफ पेशेंट इज हेल्थी तो ये आसनास हम करवा सकते हैं। इसमें पाम को वेस्ट को बैक की तरफ करना है, फिंगर पॉइंटेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए और नेक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसमें आसनास में होल्ड करना है फॉर द 30 सेकेंड एंड देन रिपीट ट्वाइस, इसको दो बार रिपीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आसनास जो आता है ये हमारा वक्रासन रहता है। वक्रासन में क्या है, इसमें पेशेंट पहले पद्मासन में बैठ जाए, पद्मासन में बैठ के अपनी लेग्स को स्ट्रेच करेगा, देन put their hand on one hand on the knee joint के ऊपर, next अपने legs को back की तरफ move करेगा। so वक्रासन जो है it can be easily performed, this hold this asanas for the 10 second, सभी asanas में patient को 10-10 second में hold करने के लिए बोलना है, then they can move, उसके बाद वह अपने movements को changes कर सकता है। इसमें patient को पहले एक पोस्चर में जाना है, देन कैन टू द नेक्स्ट पोर्शन, इसमें ट्विस्ट योर बॉडी टूवर्ड्स द राइट साइड, जिस पोस्चर में वो जा रहा है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर, जिस पोस्चर में हमने हैंड को टच किया है, जो हैंड हमारी बैक की तरफ जाएगा, हमारा फेस भी उसी हैंड की तरफ जाएगा जो हैंड बैक की तरफ जा रहा है। इसी पोस्चर को हमने इसी पोस्चर को आप दूसरी पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, तो दीज आर द डाउनलोडेड पिक्चर्स। सो इसमें यू कैन सी दैट कि पेशेंट, जो भी आप पेशेंट को एडवाइस करोगे उसकी हैंड की मूवमेंट्स कैसी है, इससे मेन जो स्ट्रेंथनिंग आएगा उसकी बैक पे आएगा। यस्टरडे समबडी आस्क्ड मी कि मैम बैक एक बहुत ज्यादा रहता है, बैक एक ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेचिंग की पोस्चर की वजह पेशेंट को बैक एक रहता है, अगर वो रेगुलर स्ट्रेचिंग करता है तो बैक की प्रॉब्लम को हम पेशेंट के रिकवर कर सकते हैं विद दी आसनास की फॉर्म में। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जैसे जैसे बेबी वेट बढ़ता है, ग्रिप बढ़ती है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो बहुत सारी फीमेल्स को एट द 6 मंथ्स पे बैक एक की प्रॉब्लम जो है वो डिवेलप हो जाती है।
उस कंडीशन में यू कैन एडवाइज, आप उसको पिचू एडवाइज करेंगे और उसके साथ साथ ये आसनास के लिए परफॉर्म करेंगे। भद्रासन भी कर सकता है वो। देखिए जैसे वाक्य की कंडीशन में मेन आसना जो है ना भुजंग आसन के बारे में व्याख्यान है, जो लाइंग डाउन पोजीशन ऑफ द प्रोन पोजीशन में किए जाते हैं, एब्डोमेन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो कोई भी आसना आपने पेशेंट को नहीं कराना है जिससे टमी पे वेट आए। तो हमें जो भी आसना देनी है इट इज इन द सिटिंग पोजिशन और इन द सुपाइन पोजिशन। तो पेशेंट कैन बी लाई डाउन ऑन द बैक, बैक के ऊपर लाई करके ही वो आसनास को परफॉर्म करे। इसलिए बैकेट वाले पेशेंट्स को भी आप स्ट्रेचिंग विद द वक्रासन के साथ स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, या मरकट आसन के अनुसार जो है वो आप स्ट्रेचिंग जो है वो एडवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट इज द भद्रासन। इसमें बटरफ्लाई पोज भी बनाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में शी कैन सिट फॉर 10 to 15 seconds in this condition, then can move their legs. Butterfly position में अपने hands को put on the foot पे रख के hold करना है और legs की movements करनी है, both ही legs को upward upward direction में move करना है for the time of 100 cycle तक। इसको count करें, चाहे patient can put the music and then ओम 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 चैंटिंग करके इसको करें, इससे दोनों ही रिलेशन जो बिल्ड हो जाएंगे, टाइम सेव भी हो जाएगा। पेशेंट कैन डू द योगासन आल्सो और अपनी माइंड रिलैक्सेशन के लिए शी कैन डू द दिस ओम उच्चारणास। सो नेक्स्ट है सिट डाउन विद द बोथ लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड। दोनों ही लेग्स को स्ट्रेच करना है इसमें। कीप बोथ द हैंड्स ऑन द ग्राउंड। इसमें दोनों ही हाथ को ग्राउंड पे रखना है, बैक साइड पे ऑन द रेस्ट ऑन इट। And slowly bend the knee and bring sole of your feet together at the comfortable distance. दोनों ही जगह को कंफर्टेबल डिस्टेंस में मेंटेन करना है, फुट को फोल्ड करना है, सेकेंड लेग को स्ट्रेच करना है। यू कैन सी दैट इन ए फर्स्ट पोस्चर, जैसे आप पद्मासन में बैठे हैं, अपनी एक लेग को एक्सपैंड कर देंगे और दूसरी लेग को आप होल्ड करके रखेंगे, देन स्लोली एडवाइज द पेशेंट टू मूव देयर हैंड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड वन हैंड स्ट्रेच टुवर्ड्स द लेग्स, जितना वो स्ट्रेचिंग कर सकता है। इससे क्या है, लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेचिंग इंक्रीज होती है, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग इंक्रीज होती है, इंटरनल काफ मसल्स को स्पेस मिलता है एंड द पेशेंट कैन हैव ए, अगर उसको हैवीनेस रहता है काफ मसल्स में, पेन रहता है, तो उस कंडीशन में दिस आसना विल हेल्प टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट। इस आसना को भी 10 सेकेंड तक हम करवाते हैं एंड रिपीटेडली पेशेंट जो है इसकी रिपीटेडली स्ट्रेचिंग्स को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज उपविष्टा कोण आसन। उपविष्ट कोण आसन में आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ऑनलाइन सेशन में भी आप इसकी वीडियोज को अपने उसमें रखिए एंड देन एडवाइस टू द पेशेंट कि किस तरह से इसको वो परफॉर्म करेगा। सो यू कैन प्ले द वीडियो एंड द पेशेंट कैन बी डू। नाउअडेज इट्स अ वेरी कॉमन, आजकल बहुत ज्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन योगासन की क्लासेस ले रहे हैं। सो इन दिस आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को वन टू वन यू कैन टीच हाउ टू परफॉर्म दिस योगासन। उसमें पेशेंट नेक्स्ट पोस्चर में जो है दोनों ही लेग्स को स्ट्रेच करके बैठना है। इसमें फ्यू मिनट्स तक, 5 to 10 minutes तक भी पेशेंट कैन बी सिट इन दिस आसनास, बिकॉज दिस पोस्चर इज रिलैक्सिंग पोस्चर आल्सो एंड सेकंड इट हेल्प्स टू गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द इनर थाइज। लेग्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, आर्म्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, बैक साइड पे जब अपने हैंड्स को लेके जाता है तो इससे स्पाइन की भी स्ट्रेचिंग होती है एंड दिस इज ऑल्सो एज अ रिलैक्सेशन पोशन फॉर द फीमेल हु इज प्रेग्नेंट। थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रैक्टिस किया जा सकता है इजिली। फीमेल्स कैन सिट इन दिस पोशन फॉर 5 to 10 minutes। ठीक है, इसके बाद का जो आसन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस आसन इज नोन एज द पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार जो है वो
फीमेल इज हैविंग कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, यूएस इज अ नॉर्मल, देन ओनली यू कैन एडवाइज. अदरवाइज कुछ उसी के पोस्चर्स को शी कैन परफॉर्म, दैट इज द पाद हस्तासन. पाद हस्तासन के लिए लेग्स को स्ट्रेच करना है, 6 to 12 इंचज के बीच में गैप देना है, देन पुट देयर हैंड्स इन द अपवर डायरेक्शन, स्ट्रेच देयर हैंड्स टूवर्ड्स द अपवर डायरेक्शन, एंड इसका जो बैक है उसकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी. दैट द पेशेंट शुड बी स्टैंड इरेक्ट एंड द लेग शुड बी, लेग का डिस्टेंस जो है 6 to 12 इंचज रहेगा, हैंड्स की मूवमेंट जो है वो अपवर डायरेक्शन में रहेगी. सिमिलर लाइक दैट अ पेशेंट स्लोली स्लोली मूव देयर हैंड्स ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड पुट देयर हैंड्स ऑन द नी जॉइंट, जिससे उसका प्रेशर जो है नी जॉइंट्स के ऊपर आएगा, थाइस के ऊपर आएगा, बैक ऑफ द लेग्स के ऊपर आएगा. ये भी जिस पेशेंट को बैकिंग की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ग्रिडीनेस की प्रॉब्लम है या एक्सेसिव हेडेक हो रहा है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करनी है. उन पेशेंट्स को वही आसनाज एडवाइज करनी है जिसमें बैक एक बैकवर्ड बेंडिंग्स रहेंगी. सो दिस पादहस्त आसन का टाइप वन यू कैन एडवाइज टू द एवरी पेशेंट जिसमें फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग रहती है, बट टाइप टू में बैकिंग वाले पेशेंट को एडवाइज नहीं करना है. नेक्स्ट, इसका टू टाइप में दे कैन स्ट्रेच ऑन द दिस फ्लोर ऑल्सो एंड टूवर्ड्स देयर हैंड्स ऑल्सो. So in this condition, the patient can be stand erect, then moves their hands towards the downward direction, touch to the floor. That is for few minutes, and then she can be relaxed, and neck should be slowly, slowly moves upward direction. So this asana is also beneficial. Next is a backward bending asana that is helping the neck of the spine. So, इसमें भी पेशेंट को अपने हैंड्स को, दीज आर द वेरी स्मॉल आसनास, हमें कोई स्ट्रेचफुल कंडीशंस नहीं देनी होती है पेशेंट को. इजी इजी सूक्ष्म व्यायाम के साथ ही विद द म्यूजिक थेरेपी के साथ दे कैन परफॉर्म दिस आसनास. तो इसमें क्या रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हैंड्स को स्ट्रेच करना है ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन में. पेशेंट शुड बी स्टैंड इरेक्टाइल फॉर 6 to 12 इंचज उसका पार्ट रहेगा. हैंड्स को स्ट्रेच करेगा, स्लोली स्लोली अपनी नेक को बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा. टिल द नेक शुड बी स्लाइटली अपवर्ड एंड होल्ड दिस आसनास फॉर द 15 सेकेंड्स के लिए. नेक्स्ट आता है वन हैंड स्ट्रेचिंग. वन हैंड स्ट्रेचिंग में क्या रहता है, पेशेंट शुड बी स्टैंड इरेक्ट. ये भी इसमें जो नेक्स्ट मूवमेंट्स आती हैं, आपका जो मेन प्रेशर आता है ये फ्लैंक्स की तरफ आएगा. तो उसमें जैसे जैसे पेशेंट अपने हैंड्स को टुवर्ड्स वन साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड मूवमेंट्स करता है, इस आसना को भी पहले एक एक पोस्चर पे आप कराएंगे, देन टुवर्ड्स अ सेकंड पोस्चर. तो इसमें धीरे धीरे से अपने हैंड्स को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाता है तो उसकी लेफ्ट साइड की जो स्पाइन होती है, लेफ्ट साइड की जो फ्लैंक्स होते हैं, इसकी स्ट्रेचिंग होती है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल्स को फ्लैंक्स में पेन बहुत ज्यादा होता है, मसल स्पैजम की वजह से वो पेन रहता है. सो अगर किसी भी फीमेल को स्पैजमोटिक पेन है या मसल स्पैजम की मसल स्पैजम शी इज फीलिंग पेन ऑन द बैक, सो शी कैन मूव देयर हैंड टुवर्ड्स वन साइड, स्ट्रेच देयर बॉडी, इट विल हेल्प टू रिड्यूस. सो यू कैन ऑल्सो एडवाइज टू अप्लाई सम मेडिकेटेड ऑयल इन द फॉर्म ऑफ महानारायण ऑयल या विश्वगर्भ ऑयल. So she can take that also. Next is a rope pulling. Rope pulling kya hai? This is also a very good exercise and enjoyable exercise. Just like ke jumbha karwate hain hum ya aerobics karwate hain, the female can enjoy that jumbha and aerobics. Similar like rope pulling karwa sakte hain with the music. Jaise jaise music ka system increase hota hai, to she can डू द रोपिंग, जिससे हैंड की एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपरली होती है, आपकी नेक की एक्सरसाइजिंग होगी, अपर पार्ट की बॉडी जो है वो स्ट्रेचिंग फॉर्म में आएगी. सो रोप पुलिंग द फीमेल कैन एंजॉय दिस आसना
सॉरी नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो द रोप पुलिंग पोस्चर, जिसमें पूरा ही हैंड जो है वो पेशेंट का आपके आउटर साइड पे जाएगा. नेक्स्ट इज द शुल्भ पवन मुक्त आसन. तो इस आसन में क्या रहता है, आप पेशेंट को जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो है वो अपियर होते हैं. सो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अर्ध पवन मुक्तासन भी करवा सकते हो और शल्प पवन मुक्तासन भी करवा सकते हो. उस कंडीशन में पेशेंट कैन बी लाई डाउन इन द सुपाइन पोजिशन, अपनी हैंड्स को बेंड करेगा और धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूवमेंट्स रहेंगे. सो ऑल दिस आसनास आर बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल टू रिड्यूसिंग द पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज. सो दिस टाइप ऑफ आसनास कैन बी परफॉर्म्ड. After that, you can also make a chart for the first trimester, second trimester, third trimester के according भी हम patient को advise करते हैं. So full classes or this is a shortcut method. So जो हमारी elaborated classes रहेंगी, in that we will teach you how to perform the trimester wise yogasan. आप patients को किस तरह से advise कर सकते हो. Now we can focus on the mantra chikitsa. बहुत सारे ऐसे mantras हैं जो हमारे क्लासिकल बुक्स में रेफरेंस दिया हुआ है. सो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन टू द पेशेंट टू चैंट दिस मंत्रास एंड परफॉर्म दिस मंत्रास. सो मंत्र चिकित्सा में भी फर्स्ट ऑफ ऑल मंत्र चिकित्सा हेल्प इन द एंग्जाइटी एंड द डिप्रेशन वाले कंडीशन में इंक्रीज करता है. ये हमारे हाइपर स्टिमुलेशन जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करता है. सेकेंड थिंग नॉन एड्रेनालिन हार्मोन्स की सेक्रीशन पे भी कंट्रोल करता है. तो जब भी नॉन एड्रेनालिन हार्मोन की सेक्रीशन इंक्रीज होती है तो आपकी एंग्री होना जो है वो एकदम से आपकी बॉडी डिवेलप कर जाती है. तो इसमें वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू द चैंटिंग. सेकेंड थिंग जो रहता है इसमें न्यूरॉन्स के ऊपर एक्शन रहता है. रेगुलर चैंटिंग से हमारे न्यूरॉन्स की जो का फॉर्मेशन होता है जिससे हम पेशेंट को कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी से रिकवर कर सकते हैं. सो चैंटिंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ बाउंडिंग द स्पेस. चैंटिंग में देर इज अ लॉट ऑफ मंत्रास जिसमें पेशेंट्स को वी कैन लिसन सम म्यूजिकल मंत्रास, ऑल्सो सम योगी भजन ऑल्सो. सो दैट कैन स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस एंड कंट्रोल द न्यूरोन सिस्टम एंड एक्टिवेट द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ योर हार्मोन्स. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है ये हमारे रेडियंट्स को इंक्रीज करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है विद मंत्र चिकित्सा एंड मुद्रा व्हेन यू आर परफॉर्मिंग बोथ इन ए कंबाइंड मैनर. सो दैट इट विल हेल्प टू बैलेंसिंग योर बॉडी. सो मंत्र चिकित्सा जो मेन मंत्रास दिए जाते हैं दैट इज ए गायत्री मंत्रा, सेकेंड इज ए राम रक्षण मंत्रा, थर्ड इज ए हनुमान चालीसा, देन ओम चिकित्सा, ओम मंत्रा, ए मंत्रा फॉर द स्पेशल गुड्स. सो ये मंत्रास कैन बी एडवाइज टू द पेशेंट. इन रेगुलर मंत्रास को चैंटिंग जो है वो पेशेंट कर सकता है. इसके बाद आता है म्यूजिक थेरेपी. म्यूजिक थेरेपी में बहुत सारे ऐसे रागास हैं जिनको यू कैन एडवाइज द फीमेल टू परफॉर्म दिस रागास. इसमें रागास में क्या है, जैसे अगर इफ यू आर समबडी इज हैविंग द नॉलेज अबाउट द म्यूजिक, उसका अगर कोई किसी का लिटरेचर अगर म्यूजिक रहा है, क्योंकि इन 9-10 की क्लासेस में आप सबको एक ऑप्शन मिलता है ना कि संस्कृत लो या म्यूजिक लो. जिन जिन स्टूडेंट्स ने म्यूजिक पढ़ा हुआ है सो दे आर वेरी गुड, दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द रागास. इस राग की ध्वनि से ही हम मेंटल लेवल को स्टिमुलेट कर सकते हैं, फिजिकल और इमोशनल लेवल को उसके एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं.
उसमें पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बेबी की ट्रांसमिशन इंक्रीज होगी, वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे। क्या होता है, समटाइम पेशेंट जब आपके पास आता है ना, शी इज हैविंग सम कोई भी डिजीज है, प्री एक्लेम्पशिया की, हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, इफ द पेशेंट इज सफर विद द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या डायबिटिक इंड्यूस डायबिटिक प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज, सो उसमें नॉर्मली स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता ही है, बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग कि नाउ आई विल सफर विद दिस gestational diabetes and there is a chances of abortion also if you are not going to be controlled. So in that condition also the you can advise the patient to perform these type of ragas. First is the food sheet, jisme annamaya kosh ke liye different type of ragas ko use kiya ja sakta hai. Then it helps to activate the हमारा breathe sheet, that is the प्राणमया कोश को, mind level को, मनमया कोश को, intellect level को, विज्ञानमय कोश को, and blessed sheet को, आनंदमय कोश को. So all these are helping in to build your mind. अब according to the day chart जब आप उसका बनाते हो, day chart में इतने भी क्या है, morning का time है, that is कफा का प्रेडोमिनेंट ज्यादा रहता है, मिड डे में 10 टू 2 के बीच में पित्त का प्रेडोमिनेंट ज्यादा रहता है, सिमिलर लाइक दैट आफ्टरनून में कफ का प्रेडोमिनेंट ज्यादा रहता है. इसके अकॉर्डिंग भी यू कैन प्लान फॉर द म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक कब प्ले करना है, पित्त का है तो हमें धमाके वाला जिसको हम बोलते हैं डीजे पे जो म्यूजिक प्ले होता है वो म्यूजिक कब प्ले करना है, या वात की कंडीशन के ऊपर आप कौन से रागास को प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे राग है, प्रदीपन है, मधुबानी है, सो दैट कैन बी परफॉर्म इन द वाताजा कंडीशन. सिमिलर लाइक दैट 6 PM 10 PM 2 PM के अकॉर्डिंग भी रागास को परफॉर्म किया जाता है. रागा में काफी राग जो है दैट इज हेल्प इट इंक्रीज द कूल एंड सूथनिंग and deep mood to the patient. So इसमें deep mood patient का जो होता है stress level से recover करके उसको energy देना वो काम करता है. राग मिश्रामंद ये हमें pleasanting और refreshment देगा. राग भेगशी, so these are all the ragas that will help to increase your mental level, reduce the stress level for the patient if is low suffering with the low blood pressure. उसका blood pressure बहुत ही low जा रहा है तो उसमें राग मुलकंस ये हमें advice करना चाहिए. और राग अश्वरी, इस राग को जो है वो practice किया जा सकता है. So you can start with this because all the literature this is mentioned in Shushruta Samhita, चरक संहिता, चक्रदत्त की बुक में इसके बारे में दिया गया है, प्रसूति तंत्र में दिया गया है, गर्भ संस्कार की बहुत सारे लिटरेचर्स में से ये सारे कंटेंट को मैंने लेके आपको शेयर किया है. सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग विद दिस प्रोसीजर्स. सो नाउ द टाइम इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स वी कैन क्लियर द डाउट्स. दिस इज द CME प्रोग्राम, इन दैट वी आर giving you all the knowledge in the shortcut method. So I tried my level best to forward all the information towards you. Yes, Gayatri ji, you can ask anything. Ma'am, iska PPT mil jayega hum log ko? हाँ जी, इसका PPT आपको शेयर हो जाएगा towards my team. क्योंकि थोड़ा बीच में पेशेंट आ गए थे ना, बिजी हो गए थे. Yes, definitely. कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वन डे में नहीं सीख पाते, इट्स अ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन ब्रेन. आप रिपीटेडली इन चीजों को जब सुनोगे, समझोगे और जब प्रैक्टिस में लेके आओगे, देन ओनली इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म इन ए बेटर वे. और थोड़ा सा जैसे मेडिसिन होता है ना, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी मेडिसिन को देना है. पिछले दिन हमने डिस्कस किया था. वैसे नॉर्मली जो है गर्भपाल रस और फलघृत को इंडिकेटेड है टुवर्ड्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी,
अगर कोई भी मेडिसिन में हमें अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस उसको देना होता है, एक्चुअली देना चाहिए ना, देखिए उसके लिए ना अगर प्रॉपर आपको सब चीजों को समझना है, सो फॉर दैट यू हैव टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस. रेगुलर क्लासेस में वी विल शेयर यू ईच कॉन्सेप्ट और उसकी पीपीटीज भी आपको मिलती हैं. सेकेंड थिंग, जो रेगुलर रिसर्चेस हुई हैं या जो हम पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बारे में भी हम डेली लेवल पर डिस्कस करते हैं. अगर आपको कंप्लीट कोर्स की जानकारी चाहिए होगी तो मिस काजल इज देयर. काजल, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मैम एंड डिस्कस विद द मैम. एनीबडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस? प्रेगनेंसी में जो इचिंग होती है, राखी जी बताइए. प्रेगनेंसी में इचिंग? हाँ जी मैम, सिक्स मंथ, ड्यूरिंग सिक्स मंथ एंड एलएफटी इज बेसिकली नॉर्मल. ओटीपीटी मिनिमम इंक्रीज, मतलब देखिए प्रेगनेंसी में इचिंग के चांसेस जो है वो बहुत, यस, एस जी ओटीपीटी जब भी पेशेंट का बढ़ता है लीवर फंक्शंस में तो उसमें फुल बॉडी में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है. और सेम टाइम समटाइम क्या रहता है कि इचिंग जो है वो पेशेंट के फुल बॉडी पे रहता है. इट्स ए कॉमन सिम्टम. इसमें जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से है ना, देखो ये लीवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इचिंग रहती है और मॉडर्न में यूडोसिल की टैबलेट दी जाती है. अगर आयुर्वेदिक आप उस पेशेंट को देना चाहते हो तो रेगुलर आप नीम का काढ़ा विद भूमि आंवला. भूमि आंवला जो है वो लीवर टॉनिक है, स्टिमुलेट करता है हमारी लीवर को. तो भूमि आंवला और नीम के काढ़ा की भूमि पेशेंट को देना है. एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप उसको वास्तु कंपनी का क्यूटिस ऑयल आता है, और जितना ज्यादा आप उसको एक्सटर्नली ऑयलिंग करवाओगे ना स्नेहन, अगर रूक्षता रहेगी तब भी दिक्कत होगी. अगर आप उसको स्नेहन करवाओगे तो फिर पेशेंट को इचिंग के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. दिन में 3 से 4 बार उसको ऑयलिंग करवानी है. एक्चुअली मैम यूडिलिव उनकी 600 mg में बीडी चल रही है, उसके बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं है. हाँ वो यूडिलिव मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट है ना यूरकोसॉल्ट, तो उसमें क्या है कि वो लीवर को स्टिमुलेट करता है और बट पेशेंट को जो इचिंग की प्रॉब्लम है ना उसमें आप साथ में ये स्टार्ट करिए, नीम और भूमि आंवला. नीम का काढ़ा और भूमि आंवला मिक्स करके, हाँ जी, नीम और भूमि आंवला को इक्वल क्वांटिटी में लेके से 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को देना है. तो उसको बॉयल करके ले, बटर पाउडर फॉर्म में ना लेके बॉयल करके ले और स्नेहन करिए, उसकी एक्सटर्नल स्नेहन करना है पेशेंट का. ठीक है. और इस कंडीशन में ना यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट. उसका यूएसजी पे भी एक बार देखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चा जो है ना अगर इचिंग का सिम्टम आ रहा है तो ये IUGR में भी चला जाता है. एक्चुअली मैम उनकी बॉडी पे ना ऐसे फुंसी टाइप रैसेस हैं पूरे पे ना, और बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन से. हाँ तो आप बाकी रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट इज नॉर्मल? यस मैम. ओके, आफ्टर दिस सेशन यू कैन डिस्कस विद मी.